हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल दुनिया देखो विद सनी। मैं अभी शिरडी में हूँ, साईं बाबा के दर्शन करने के लिए आया हूँ। ये है मेरे होटल के रूम का नज़ारा, देखिए। शिरडी में मेरा यही रूम नंबर 203 है। एसी रूम है और ये बाथरूम है। 1,000 रुपया पड़ा मुझे इस रूम का। सिडी में इससे सस्ता एसी रूम आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरा, क्योंकि मैंने बहुत होटल सर्च किया तब जाके ये मिला मुझे 1,000 में। इस होटल का डिटेल्स है ये, होटल साई शुभम। चलिए अब चलते हैं, साई बाबा के दर्शन आपको कराते हैं, चलिए। सिडी साई बाबा में ये होटल है मेरा, होटल साई शुभम। अच्छा होटल है और यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है शिरडी साई मंदिर, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अभी मैं जा रहा हूँ, चलिए चलते हैं। देखिए बगल में मेरा होटल है, वहाँ से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस आ चुका हूँ। यहाँ साई बाबा मंदिर के एंट्रेंस पे, ये सामने एंट्रेंस है, काफ़ी भीड़ है जी। क्या दर्शन जाने है ना? हाँ, नॉर्मल में जाने, 2 नंबर गेट से जाओ, वीआईपी से जाना है, सामने मिले। वीआईपी दर्शन भी होता है? हाँ, मंदिर का सुविधा है ना, उसमें क्या भीड़ नहीं होगा? भीड़ होता है। हाँ, 20-25 मिनट में दर्शन हो जाता है। अच्छा, उसका क्या प्राइस है? 200 रुपये। मंदिर में डोनेशन होता है, मंदिर में डोनेशन होता है 200 रुपया, उससे जल्दी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर 2 ऑप्शंस है, एक वीआईपी दर्शन है 200 रुपये का, और एक 2 नंबर गेट से जनरल दर्शन होता है। चलिए देखते हैं, समझते हैं और आपको समझाते हैं। ये देखिए पेड पास काउंटर, ये क्या है पेड पास काउंटर? 200 रुपया। ये स्पेशल एंट्री है, किधर से होगा स्पेशल एंट्री? ये जल्दी हो जाएगा। चलिए, ये पेड वाला है 200 रुपया, और आगे नॉर्मल वाला देखते हैं क्या है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस तरह दर्शन कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को भी दिखाऊं, नेचुरल वीडियो रखूं, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि आप जब यहाँ आएंगे तो क्या फील करेंगे। वो फील मैं कराना चाहता हूँ, इसलिए बिल्कुल रॉ रखा है मैंने इस वीडियो को। काफ़ी होटल्स है यहाँ, होटल्स का कोई कमी नहीं है, बहुत ऑप्शंस है, लग्जरी से लेके 5 स्टार से लेके इकोनॉमिकल हर तरह का होटल मौजूद है यहाँ। ये देखिए ये लाइन लगा हुआ है, ये नॉर्मल एंट्री है, नॉर्मल दर्शन वालों के लिए। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पेड वाले में और नॉर्मल वाले में, आधा घंटा का डिफरेंस आता है। ये आपकी मर्जी है, आप 200 रुपये दे के वीआईपी में जाइए या फिर नॉर्मल दर्शन कीजिए। ये नॉर्मल एंट्री है, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन है भीड़ थोड़ा बहुत तो है ही, तो मैं सोच रहा हूँ नॉर्मल से ही जाऊँ, देखते हैं। और दूसरी बात, मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर का मैं नहीं दिखा पाऊँगा। ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है, देखिए, मोबाइल अलाउ नहीं था इसलिए नहीं दिखा सके, और यहाँ से भी कुछ खास क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। आई लव साई बाबा। ये देखिए मंदिर परिसर के बाहर का नज़ारा है, काफ़ी ऊंचा ऊंचा बाउंड्री है, कुछ भी दिखता नहीं है अंदर जो आपको दिखाऊँ मैं, आपको खुद से आना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। मैंने बहुत कोशिश किया अंदर परमिशन निकालने के लिए, उनसे बात भी किया जाके कि मुझे परमिशन मिल जाए, लेकिन वो 1 महीने का प्रोसेस बताते हैं कि होता है, उसमें भी आपका एक्सेप्ट करेंगे एप्लीकेशन या रिजेक्ट करेंगे, कोई गारंटी नहीं है, तो एक तरह से समझिए परमिशन नहीं मिला। अभी मैं आया हूँ अपना मोबाइल जमा करने के लिए, यहाँ पर पीछे मेरे मोबाइल कैमरा लॉकर रूम है, यहाँ मोबाइल जमा करना होगा, 5 रुपया पर मोबाइल है।
मैंने दर्शन कर लिया अंदर, बहुत इजीली बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, बिल्कुल भी लाइन में ज़्यादा देर लगना नहीं पड़ा मुझे। और मुझको अंदर में प्रसाद के रूप में ये मिला है, देखिए ये प्रसाद दिया है, भभूत है शायद, और ये लड्डू का पैकेट है, ये मैंने ख़रीदा है 25 रुपए का, ये पैकेट है, 3 लड्डू है इसमें। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा दूर प्रसादालय है साईं बाबा का, वहाँ पर फ्री में मील प्रसाद वगैरह देते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। यहाँ से 10 रुपया 20 रुपया ऑटो का लगता है, वो छोड़ देगा हमें प्रसादालय, अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।